दोस्तों, या तो आप एक अच्छा यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हो, या आप अपना क्राइटेरिया कंप्लीट कर चुके हो यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए, तभी आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, जो बहुत सारे नए यूट्यूबर्स को आती है। जब अपने यूट्यूब चैनल को वो मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो उनके एडसेंस में एरर आ जाता है, उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं करता, थर्ड स्टेप उसका 4-5 दिन पड़ा ही रह जाता है। कुछ कुछ बातों पर तो ऐसा देखने को मिला है मुझे कि एक एक महीने तक उनका यूट्यूब मोनेटाइज ही नहीं करता। बट इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा कि आपको अपना यूट्यूब चैनल वो कैसे मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना है, एंड किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कितने दिन में आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और यूट्यूब आपकी जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी को ऑन करता है या आपके एड्स आपके ऑन करता है तो वो कौन कौन सी पॉलिसीज का प्रयोग करता है जिससे आपके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करता है और आपके चैनल पर रिव्यू करता है। तो सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगा, ध्यान से देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। चाहे आप आगे जाकर यूट्यूबर बनना चाहते हो, चाहे अभी एक नए यूट्यूबर हो, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और कब कौन सा स्टेप हमको अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं उस टाइम पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना 18 साल से जिस व्यक्ति का नाम ऊपर है, 18 साल से ऊपर है जिसकी एज, उसी के नाम से आपको एडसेंस बनाना है। दूसरा, उसके नाम से पैन कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि जब मोनेटाइज हो जाएगा उसके जस्ट 15 दिन या एक महीने बाद आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी एडसेंस को वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पर तीसरा जो स्टेप है वो मैं आपको बता दूँ कि आपका जो अंडर रिव्यू में जाने का जो चीज़ होता है, तो आपका जो चैनल है वो काफ़ी दिनों तक पड़ा इसीलिए रह जाता है कि आपके चैनल पर एक थीम पर काम नहीं करते हो आप। यूट्यूब रिव्यू करता है कि आपकी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ हैं वो किस टॉपिक पर है, कि एक थीम पर काम कर रहे हो आप, और आपके चैनल का जो सोशल मीडियाज लिंक है वो आपके चैनल के अबाउट में ज़रूर डाल देना आप लोग। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी दिखा देता हूँ। इसके अलावा आपको अपनी वीडियोज़ के अंदर भी अपना जो सोशल मीडियाज का लिंक है वो डाल देना, जिससे क्या होगा यूट्यूब आपको वेरीफाई करने में या आपकी फटाफट से जाँच करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे आपको अपने चैनल को अप्लाई करना है मोनेटाइजेशन के लिए। यहाँ पर मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में आप अपना एक मेल आता है या नहीं आता, तो आप मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में चले जाना। चले जाने के बाद में यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और इन भाई का जो चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, YRM फिटनेस, ठीक है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको चार चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है, जो आपके मोनेटाइजेशन में काम आती है। सबसे पहला, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होना चाहिए, 4000 घंटे कंप्लीट होना चाहिए, इसके अलावा जो भी टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो ऑन होना चाहिए, और टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं होगा तो भाई आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और इसके अलावा आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, उसके बाद में जो फर्स्ट स्टेप में, तो इसमें आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना। जैसे स्टार्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी टर्म्स एंड पॉलिसी होती है, उस पर क्लिक कर देना है, यस पर एंड एक्सेप्ट टर्म्स पर क्लिक कर देना है, और ये सब कंप्लीट कर दोगे तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपका जो सेकंड स्टेप है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको ध्यान में रखना है, और अगर आप इसमें गलती कर देते तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक व्यक्ति के नाम से आप दो एडसेंस नहीं बना सकते, तो आप दोबारा ये गलती मत करना, और 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए जिसका एडसेंस अकाउंट आप बनाओ। और एक चीज और, चैनल की ईमेल आईडी से आप एडसेंस अकाउंट मत बनाना, इसके लिए बिल्कुल नया फ्रेश एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए ईमेल आईडी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको यहां पर नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, अगर आप एडसेंस अकाउंट नया बना रहे हो तो आपको नो पर क्लिक करना है सेकेंड वाले स्टेप में। यहाँ पर आपको कोई भी मेल आईडी ले लेना जो नया बिल्कुल फ्रेश है, उसको आप यहाँ पर चूज कर लेना। जैसे ही आप चूज करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, योर वेबसाइट, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यस पर आपको क्लिक कर देना है, गेट मोर आउट एडसेंस, ठीक है, अबाउट एडसेंस, यस पर क्लिक कर देने बाद नीचे आपको कंट्री सेलेक्ट करवाएगा कि आप किस देश से हो, तो यहाँ पर हमारा भारत, हिंदुस्तान, जो भारत इंडिया देश है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर हमारा देश सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें बताएगा, तो इस पर आपको यस पर क्लिक करना है और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे आपको रिडायरेक्ट करेगा एडसेंस वाले अकाउंट पर, ठीक है, एडसेंस पेज पर, यहाँ से हमारा एडसेंस पेज क्रिएट होगा। तो कस्टमर इन्फॉर्मेशन में हमको हमारे से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, जिसके नाम से आप एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हो उसी के नाम से आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है, उसका 18 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंट टाइप में आपको इंडिविजुअल रखना है, ना कि बिजनेस करना है, अगर गलती कर दोगे तो भाई बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा, इंडिविजुअल करना है। चैनल का नेम, नेम में आपका क्या करना है, आपको अपना नेम लिखना है, ठीक है, आपको अपना नेम डालना है जिस नाम से आप एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हो, जिस नाम से आपके पास में जो
डिटेल है वो। उसके बाद में आपको एडसेंस के बाद में एड्रेस भर देना है, एड्रेस आपको दो बार फिल करवाता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो नीचे नीचे आता है उसमें आपको मोबाइल नंबर मांगता है वो फिल कर देना है, पूरी डिटेल डाल देनी है, पिन कोड डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, आपका जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी यहाँ पर डाल दोगे, दो एड्रेस हो गए, दोनों एड्रेस डाल देना है, नेम डाल देना है, समझ गए आप, पूरा का पूरा आपको चीज़ यहाँ पर फिल कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा आपको, आपका चैनल का नेम नहीं डालना है, ओनली जिस नाम से आप एडसेंस बनाना चाहते हो वो नेम, ठीक है। उसके बाद में एड्रेस, उसके बाद में आपका टाउन सिटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में स्टेट, उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर, ये डिटेल आप भर दोगे, स्टेट सब कुछ आप फिल कर दोगे एडसेंस में, ये डिटेल इंडिविजुअल रखना है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में एडसेंस जो पेज है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, कोई भी गलती मत करना। सबमिट पर आप क्लिक कर दोगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको ये रिडायरेक्ट करेगा अपने एडसेंस जो मोनेटाइजेशन का सेक्शन है उसमें, ठीक है। अब सेकंड स्टेप को कंप्लीट होने में कम से कम आपके 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, रिडायरेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपका थर्ड स्टेप होता है अंडर रिव्यू में जाना आपका चैनल, और वो ऑटोमेटिक आपका अंडर रिव्यू में चले जाएगा, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल होते हैं जो कई दिनों तक अंडर रिव्यू में पड़े रह जाते हैं, तो उसका क्या रीज़न होता है, वो अपने YouTube चैनल की एक थीम नहीं रखते। और अब आप ध्यान से देखो कि क्या क्या गलतियां करते हो आप लोग अपने YouTube चैनल पर, आपको मिसलीडिंग मेटा डेटा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने अपने YouTube चैनल में डिस्क्रिप्शन में या टैग्स में बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स भर रखे हैं तो उनको आपको रिमूव कर देना है। आपको बहुत जल्दी अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है तो आपको ये डिटेल है और फालतू की जो भी आपके चैनल पर कचरा है उसको आपको रिमूव कर देना है। ऐसी वीडियोज़ जिन पर व्यूज़ नहीं आते और वो वीडियोज़ आपके अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड है उनको डिलीट कर देना है। जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ है उनको देख लेना ध्यान से, उसमें आपका जो कीवर्ड है वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। रियूज कंटेंट नहीं होना चाहिए, रियूज कंटेंट का मतलब होता है आपकी जो चैनल पर जो वीडियोज़ पड़ी हैं उनमें आपने कोई मतलब कहीं से भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अपना इमेज डाउनलोड करा, उस पर वीडियो बना दिया, वॉइस ओवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो रिव्यूज कंटेंट वो होता है। रिपीटेटिव कंटेंट, तो उसमें आपको पहले बता दूं कि कोई भी वीडियो आप क्रिएट करते हो तो एक ही टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन पर आप बार बार वीडियोज बना देते हो, उसकी वजह से भी आपका रिपीटेटिव कंटेंट आ जाता है। अब मान लो आपने चैनल के लिए अप्लाई कर दिया मोनेटाइजेशन के लिए और आप ये सब कुछ सारी चीज़ें सही है, एक थीम पर चैनल है, मोस्ट पॉपुलर वीडियो सब कुछ सही है, तो क्या होगा, आपका चैनल मान लो 2 दिन पड़ा रह जाता है अंडर रिव्यू में, तो आपको क्या करना है, अपने चैनल के लिए फीडबैक सेंड करना है यूट्यूब को इंग्लिश में लिखकर कि मेरा यूट्यूब चैनल है और इस पर ये मोनेटाइजेशन के लिए मैंने अप्लाई करा था, मेरे को कंप्लीट 2 दिन हो गए हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल को आप रिव्यू करिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ जाता है यूट्यूब हमको बताता, उन पर मैंने वीडियोज़ बना रखी है, मिसलीडिंग मेटा डेटा, रियूज कंटेंट, रिपीटेटिव कंटेंट, उन वीडियोज़ को आप देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और पैन कार्ड ज़रूर से बनवा लेना भाई मोनेटाइज होने के बाद में, बाकी 18 साल से ऊपर का एडसेंस बनाना है और पूरी डिटेल दोबारा देखनी है तो भाई वीडियो को दोबारा देख सकते हो। एंड मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद क्या करें उस पर मैंने वीडियो बना रखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी यार इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना क्योंकि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बैकग्राउंड कैसा लग रहा है ज़रूर से कमेंट करके बता देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।